देखो बेबी, उस बॉल का कोई वो नहीं था, किसी ने क्लेम नहीं करी वो बॉल। अब दो दिन तक नहीं करी होगी, मेरे बच्चे ने नीचे देख ली, मेरा बच्चा घूमने गया था, वो चोरी के इरादे से थोड़ी ना गया था, वो तो अपना मूत्र गया था। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। घर पे वापस आके इतना अच्छा लग रहा है अपने बच्चों के पास। ये लमेला कुकड़ा, ये विल टेल यू कैन डू चुंचा, इतना अच्छा लग रहा है। आज आराम से एक्चुअली सो के उठी हूं, और मैं सोच रही थी कि मेरा वर्कआउट होगा, जो कि मेरे सर ने फोन नहीं उठाया। आई डोंट नो, हो सकता है उनको कुछ कंफ्यूजन हो कि आज पता नहीं करना है या नहीं करना है, या आई होगी या नहीं आई होगी, कुछ कंफ्यूजन है। सो मे बी जब तक वो मेरा मैसेज पढ़ेंगे तो फिर मैं शाम का वर्कआउट रखूंगी। अभी अपना खाना खाऊंगी और आई गो टू स्टारबक्स, थोड़ा एक अपना वाला टाइम लूंगी। मीन वाइल अविनाश भी मुझे ज्वाइन कर लेगा। अविनाश भी मुझे ज्वाइन कर लेगा। अविनाश है जो चुंचू के पापा है, वो मुझे ज्वाइन कर लेंगे ना चुंचा। उसके बाद मैं अपना एक्सरसाइज, वेदर वाला वर्कआउट या फिर थोड़ा बहुत वॉक के लिए जाऊंगी, कुछ तो करूंगी, लेकिन आज से अपना वर्कआउट शुरू करूंगी। सो आई वॉन्ट टू सी रिजल्ट विद इन 10 days एटलीस्ट, कि मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। मैंने अपना डाइट चेंज किया है, पानी बहुत ज्यादा पी रही हूँ, सो आई एम श्योर फर्क पड़ना चाहिए, आज से शुरू कर रही हूँ। इच्छा में आप मेरे, अरे बापरे, मतलब चिंटू को मिल सकते हो। चिंटू ने रात भर मुझे सोने नहीं दिया, रात भर मुझे मेरा मुंह चाटती रही है, कभी अविनाश का मुंह चाटती रही है कि मैं नहीं हटूंगी। कैंडू तो मेरे पास ही सोया हुआ था, अरे चल यहाँ पे बॉल लेके बैठा है अपना, बॉलू बॉलू के साथ खेला दो, और ये इसने खा मारा है। छोटी, तेरे को मारूंगी मैं, इतने महंगे महंगे मैच खरीद के ला रही हूँ, तू ये क्या कर रही है, चलो। अरे अरे अरे, बॉल क्यों नहीं लाई, बॉल क्यों नहीं लाई उठा के, बॉल क्यों नहीं लाई, आ जाओ। ये जो मेरा चेहरू और उसके बॉल का प्यार है, जो चोरी करके लाए थे बॉल, वो कहाँ है? आजा ढूंढती हूँ तेरी चोरी वाली बॉल, कहाँ है चेरी की चोरी वाली बॉल? अरे अमिता, वो चेरी की चोरी वाली बॉल किधर है? फेंक दी वो चेरू, आप क्या करते हो, पूरा फाड़ दिया था। चुनचुन भी खा रही थी। तो वो बच्चे अपनी बॉल मांगने नहीं आए? आए थे कल रात, फाड़ दिया है। मैं बोली फेंक दी, मेरा फेवरेट था बॉल, अरे उसकी फेवरेट बॉल बच्चे की चोरी करके लाई, अब उसको मैं नया खरीद के दूंगी। घर में रखी थी, घर में रखेगी तो चोरी कैसे लेके आए? घर में से चोरी ना करेगी वो बाहर मिली होगी उसको। नहीं नहीं, मेरा बच्चा चोर जरूर है, लेकिन नीचे से चुराता, किसी घर जाके नहीं चुराता। वो बच्चा बोला कि हमारे घर से चोरी की है। नहीं नहीं, मेरा चालू अच्छा चोर नहीं है। अरे बच्चे बच्चे पे, मेरे बच्चे पे सीधा ये इल्जाम लगा कि घर से चुराई है, चलो। अरे ना 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 ना, मेरा बच्चा ये नहीं कुछ भी कर सकता, मेरा बच्चा ये नहीं कर सकता। ये क्या किया, ये किसने किया ऐसा, किसने काटा इसको, हाँ किसने किया ये? नहीं नहीं, ये आपने किया ना, ये तार काटी है ना आपने, ये पता है ना भैया की है, मतलब आपके पापा की है। नहीं, ये सॉरी कहने का तरीका ही गलत है, क्योंकि आप सॉरी कहने के बाद उसके बाद दोबारा ये खाओगी, देखो खाओगी ये खाएगी तो दोबारा। ये क्या करा है, इसको खा मारा ना तूने, सॉरी बोल, किसने किया ये, मतलब इसको ठीक कौन करेगा? दिस इज वेरी बैड चुनचुन, आर यू सेइंग सॉरी? आप सॉरी बोल रहे हो मम्मा को सॉरी बोल रहे हो? You're not going to do this again. चुनचुन बहुत महंगी चीजें हैं, ऐसे काट मारोगे तो कैसे चलेगा घर, है किस भी नहीं कर सकती, और किस करना चाहती हूँ मैं इसको। नहीं ये गलत है, ये गलत है बेटा। अब ये करने के बाद माँ का मुंह चाट रहे हो, ये भी उसके हाथ में पड़ेगी कि ये खा गई है तू, वो मेरे को पकड़ेगा ना, ये यहाँ आया कैसे है? Are you saying sorry for what you did? हाँ क्या, बहुत चला गई है। बेबी चुनचा ने ये तुम्हारा खा मारा। क्या बात कर रही हो? हाँ। शिट। चुनचा अब बता अपने बाप को। चुन ये क्या किया बेटा, ये क्या किया? ये तो मैंने टाइम पे पकड़ा, लेकिन खाया तो कुछ है इसमें से, ये खा रही थी ये तिकोण। बोलो इसे, पूछो इसे क्या किया इसने। सॉरी बोल, सॉरी चुनचा। नहीं ये तो तुमने जरा सा सॉरी ले लिया। Sorry, okay, accepted. मतलब तुम्हारी महंगी चीज ये खराब कर दे तो एक्सेप्टेड है, और मैं खराब करूँ तो नहीं चलेगा। तो बच्ची है ना, तुम थोड़ी बच्ची हो। मैं भी तो बच्ची हूँ। चलो जाओ 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 जाओ, चल यहाँ से। तो मैं जा रही हूँ, तुम मेरे को मिलते हो फिर बाहर? हाँ, आधे घंटे में। ओके okay. तुमने खाना खा लिया? मैंने खाना खा लिया। चलो, मैंने अपना पूरा 2 लीटर का पानी भर लिया है इसमें, और अब मैं ये पूरा दिन पीती रहूंगी, सो दैट एटलीस्ट आई नो कि मैंने कितना पानी कंज्यूम किया है। इसमें मैंने सूखा धनिया डाला है, थोड़ा जीरा डाला है। अगर और भी कुछ डालना है तो आप मुझे बताइए, कि उससे भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं, मतलब लाइक थोड़ा सा वाटर रिटेंशन खत्म करने के लिए। तो इसमें इतना डाला है, ये सब डाला है मैंने, देख लो। अब आप भी मुझे गाइड कर देना, ठीक है?
अरे बाप रे गाड़ी की हालत बहुत गर्म है। तो मैं निकल रही हूँ, मैं आपको मिलती हूँ सीधा स्टारबक्स पे। तुमको पता है कि मैं बॉम्बे वापस क्यों आई हूँ? मेरे लिए। सिर्फ इस प्यार के लिए। दिल बनाओ सीमा, ये खेखड़ा क्यों बना है? मेरी कॉफी सिर्फ सीमा ही जानती है, मेरे दिल का दर्द भी यही जानती है। आजा सीमा कॉफी बना दे। सीमा के हाथों की कॉफी जो पिएगा वो जन्नत जाएगा। I think sometimes I go mad। चलिए मैं सीमा की कॉफी आपको पी के बताती हूँ कि कैसी लगी। समझ गए होंगे आप दोस्तों, गया है मेरे पास। मेरा बीवी आ गया है। देखो मेरा बीवी क्या लाया है। ये तो मैं पी रही हूँ ना। एक ही दिन का है कि आगे भी होगा? नहीं, रोज करूँगी मैं। ये रोज होगा? हाँ। इसके अंदर क्या डाला है? बस जो डाला ना डाल दिया। ठीक है, चिया सीड। चिया नहीं है ये, रिया। सुनो, कॉफी पियोगे? यस। घर आ गई हूँ मैं, एक्सरसाइज मैंने कर ली, चेंज कर ली। अब तो चेंज ही करके बैठ गई हूँ, बिकॉज इतना अच्छा लग रहा ना चेंज करके। और ये मेरे चुन्ना भी छोया हुआ था। ये मम्मा जैसे ही कुछ बोलने लगी है तो ये मामा उठ गया, मेरा बड़भुंजू, मेरा बलभुंजू उठ गया। मम्मा का गुड़िया उड़ गया। हाँ, ये मामा का गुड़िया मेरा बच्चा। So, आज से डाइट कर रही हूँ, प्रॉपर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। दो मेरा ट्रेनर नहीं आया, लेकिन ट्रेनर कल से आएगा, तो मैंने वॉक वगैरह कर लिया है। एंड लेट्स सी अब से 10 दिन में क्या कोई चेंजेस आते हैं बॉडी में कि नहीं। बिकॉज ऑफ लेट मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने बहुत मेडिकेशन भी किसी चीज के लिए ली थी, तो ऑब्वियसली उससे भी बहुत वेट पुट ऑन हुआ है। सो इट वॉज नॉट जस्ट ईटिंग। या लोगों को लगता है कॉफी पीते हो इसलिए रहता है, लेकिन देयर वर अदर थिंग्स जिसकी वजह से मेरा वेट पुट ऑन हुआ, विच आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस इट राइट नाउ। लेकिन लेट्स सी कि अब मेरे को क्या फर्क पड़ता है। अविनाश बाहर काम कर रहा है, जैसे फ्री होता है मैं आपको मिलवाती हूँ। आपको पता है घर में दो बार बच्चे आ चुके हैं, अभी भी आके गए हैं, तो मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ कि मैं वो कह रहे हैं हमारी फुटबॉल थी घर से चुरा के ले गई। अब मेरा बच्चा किसी के घर जाके थोड़ी ना चोरी करेगा। मेरे बच्चे ने चोरी की है, लेकिन उसको चोरी की बॉल मिली है यहाँ से। कहाँ से मिली है? गाड़ी के नीचे से। गाड़ी के नीचे से? तेरे को पता है ना गाड़ी के नीचे से मिली। लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे घर से चुरा के लेके गई है। मेरा बच्चा चोर है, लेकिन इतना बड़ा चोर नहीं है। मेरी चेरी इतनी बड़ी चोर नहीं है। मेरा बच्चा कहाँ गया ये बता? घर में थोड़ी ना जाके लाएंगे, हम तो नीचे उतरते हैं, बॉल मिल जाती है हम ले लेते हैं, चुरा लेते हैं। लेकिन किसी के घर से ना, घर से नहीं, मेरा भोला डाकू मेरा घर से नहीं चोरी करता किसी के। ये वाली आदत नहीं डाली। चल हट यहाँ से, तू जान बूझ के मत करा, हट जा चेरी से। हाँ, चारू ने डकैती की है, लेकिन गाड़ी के नीचे से चोरी, चेरी से खेलने के लिए। चल बच्चों के आते डर गई थी तू, बच्चों के आते डर गई थी तू। खबरदार बच्चों, मेरे भोले डाकू पे किसी ने इल्जाम लगाया कि घर से चोरी किया, तो मेरे बच्चे ने घर से चोरी नहीं की किसी के। हाँ, मेरा बाप, मैं आपके साथ हूँ। माँ अपने बच्चे के लिए ये थोड़ी सुनेगी कि मेरा बच्चा चोर है। पता है मेरा बच्चा चोर है, लेकिन इतना बड़ा चोर नहीं। फाइनली मेरा बेबी फ्री हुआ है, तो खून चूसने वाले सारे यहाँ आ गए, सारी जोंक आ गई है यहाँ पे। और ये तो गंदी तरह से देखो देखो देखो, मेरा पैर ही छील लिया इसमें इधर से, पता है? ये नहीं करेगी कि हम लोगों को अब बैठने नहीं देगी। मेरा तो पैर लटकाना मुसीबत हो गया है, पैर लटकते उंगलियां खींचने लगती है। चलो, इतने दिन से अकेले भी तो थी ना। हाँ, ये भी सोच लेते हैं थोड़ा। तो सोच, आ जाओ सब बच्चे, आ जाओ सब। फिर हमारी जिंदगी क्या रह गई? अब सब बच्चे ऊपर ही आएंगे, तो हमारी जिंदगी तो कुछ है ही नहीं ना। अरे उसकी नाक बह रही है। नाक बह रही है? नाक बह रही है। ले लो ऊपर ले लो। आ जा नाक बह रही है, ऊपर ले लो। उसकी क्या बह रही है? और इसकी तीसरी वाली की, जिसको दो बार आज बच्चों ने आके बोल दिया चोर कुत्ता। नहीं, मेरा बच्चा चोर नहीं है, है ना? ये जब बॉल का कोई वारिस ही नहीं होगा। हाँ, तो वो क्या करेगी? हाँ, और क्या भाई बताओ, जब बॉल का कोई वारिस ही नहीं, तो हम तो लेके आएंगे, बिल्कुल लेके आएंगे, हमारा फर्ज है, है ना? ठीक किया बेटा, ठीक किया, ये बिल्कुल ठीक किया तूने। तुम्हें पता उस दिन इसने क्या किया? देखो बेबी, उस बॉल का कोई वो नहीं था, किसी ने क्लेम नहीं करी वो बॉल। अब दो दिन तक नहीं करी होगी, मेरे बच्चे ने नीचे देख ली, मेरा बच्चा घूमने गया था, वो चोरी के इरादे से थोड़ी ना गया था, वो तो अपना उतर गया था। तुम्हें पता उस दिन इसने किया क्या है? ये बॉल को चबाने की कोशिश कर रही थी, सडनली इसके दांत से हो गया बॉल में छेद, और हवा निकली, अरे सारे तितर बितर हो गए। चुनचुन को लगा मेरी चेरी मौसी बम उठा लाई है कहीं से, फट गया वो। और क्या इल्जाम लगाया कि घर से चुरा के लेके गई है? अरे मतलब उसका फ्लैट नंबर इसको कैसे पता बच्चे को? इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगे हुए हैं। आहें भर रही है, देखो आहें भर रही है ना मेरे बच्चे ना। बहुत भोली है बेबी, बहुत भोली है। इस भोलेपन का मैं क्या करूं बेबी? ये बता, इसको दुनिया खा जाएगी। ये भोलेपन में नहीं चल सकता बेबी, थोड़ा तो चलाक होना पड़ेगा यार। मैं भी इतनी भोली हूँ, ये भी इतनी भोली है, दो भोले मिल गए।
गाइस यहाँ पे आ रही है भरपूर नींद, मैं चली सोने, मेरे को जल्दी बहुत ज्यादा आ रही है नींद। आज से वॉकी वॉकी भी शुरू कर दी ना। कब करी वॉक आज? आज वॉक करके आई थी। कहाँ पे? सड़क पे। मुझे तो नहीं पता इस बारे में कुछ भी। तुम्हें हर चीज नहीं पता होनी चाहिए, मैं तुमसे छुपा के रखती हूँ। वर्कआउट क्यों छुपाती हूँ मैं? जो चीज इंसान करके आता है तो खुल के बताता है। पता है आज मैंने वर्कआउट किया था, वो कोई छुपा रहा है? अरे कुछ तो ऐसी बात बोलो जिसमें विश्वास करो। दोस्तों कल मिलते हैं, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल व्हिच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। आया बड़ा। अरे छिंचा बाहर रह गई। अरे मेरी बच्ची बाहर रह गई, पकड़े इसको। बच्चे को ही बाहर निकाल दिया कमरे से।